देखो बात करनी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जानते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है अलग अलग ऑर्गेनिज्म को उनके कैटेगरीज में अलग अलग कैटेगरीज में रखने का, ग्रुप करने का किसी बेसिस के हिसाब से। कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले कन्फर्म कर लेते हैं किस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से किसी ग्रुप में हम उसको रखेंगे, ठीक है। अगर हमें बर्ड्स रखना, मान लो एक कैटेगरी बनाई क्लासिफिकेशन की बर्ड्स, तो जिनके पास बीक है, बीक, जिनके पास विंग्स हैं, जो नेस्ट बनाते हैं और एग देते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है इसकी, है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जितने ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे उनको हम बर्ड्स के अंदर रख देंगे। इसी तरह एनिमल्स में जो एनिमल्स देते हैं, टेरिस्ट्रियल है, लैंड पे रहते हैं, उन्हें हम एनिमल्स पे रख सकते हैं। अगर जनरली देखा जाए तो क्लासिफिकेशन है क्या, खास करके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को देखें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस व्हिच आर डन इन सिस्टमैटाइज ऑर्डर। सिमिलैरिटी ऑफ डिफरेंसेस के बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करना। हम चाहें तो प्लांट को भी क्लासिफाई कर सकते हैं, प्लांट जो ग्रीन हो, ठीक, फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब ऑटोट्रॉप्स हो, जो मूव ना करते हैं, नो मूवमेंट, प्लांट का कोई मूवमेंट नहीं होता, ये सारे प्लांट्स में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। एनिमल्स जो मूव करते हैं, है ना, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, कोई भी छोटी छोटी कैटेगरीज को लेकर हम ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम फ्रूट पे सर्कुलर फ्रूट की भी कोई कैटेगरी बना दी हमने कि सर्कुलर फ्रूट कितने सारे होते हैं, तो जितने फल खाए वो सर्कुलर दिखते हैं सबको, यहाँ रख एप्पल ऑरेंज सब आ जाएंगे। तो कैटेगरी बनाना हमारे ऊपर है, हम एक पहले बेसिस करते हैं कि हम किस बेसिस पर रखें। तो सर्कुलर फ्रूट के बेसिस पे जितनी क्लासिफिकेशन हम करेंगे सबको, सबके लिए पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए। ग्वावा, लीची, कुछ भी लिखते चले जाओ, अगर सर्कुलर फ्रूट को ही क्लासिफाई करना है तो बहुत सारे हैं, सबको क्लासिफाई करते चले जाओ। तो उसके लिए सबसे पहले बेसिस बनानी पड़ेगी। यहाँ हमारे पास बेसिस थी सर्कुलर, बर्ड्स के लिए हमारे पास ये बेसिस हमने बना दी थी, प्लांट के लिए हमने ये। तो अब हमारे पास कोई भी चीज दिखेगा जो ग्रीन होगा, ऑटोट्रॉप होगा, लेकिन मूवमेंट नहीं कर रहा होगा, तो उसे हम प्लांट में रख देंगे। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिलेगा जिसके पास बीक हो, बीक, बीक, चोंच, विंग्स होंगे, नेस्ट बनाता हो, एग देता हो, उसे बर्ड में रख देंगे। तो क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। ऐसे ही कुछ क्लासिफिकेशन का प्रोसेस चला तो साइंटिस्ट है एरिस्टोटल।
एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दी थी, उन्होंने क्लासिफाई करना शुरू किया था ऑर्गेनिज्म को। एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था दो कैटेगरी। एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल था, हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसमें से केवल दो ग्रुप बनाए थे एरिस्टोटल ने। एक में उन्होंने प्लांट को रख दिया था, और दूसरे में उन्होंने एनिमल्स को रख दिया था। बस यही दो ग्रुप थे उनके। प्लांट्स को भी जब उन्होंने क्लासिफाई किया था तो अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया था, जैसे उनके प्लांट की जो सब कैटेगरी थी, शुरू होते थे हर्ब से, हर्ब छोटे से होते हैं, छोटे छोटे हर्ब्स जड़ी बूटियां जिसे कहते हैं, मेडिसिनल यूज होते हैं इनके। उससे बड़ी छोटी बहुत झाड़ियां होती है प्लांट की जिसे बोलते हैं श्रब्स, हर्ब्स, श्रब, और सबसे टॉलेस्ट होते हैं हमारे पास ट्री। तो जितने भी ट्रीज थे उन सबको एक कैटेगरी में रख दिया। तो प्लांट हमारे पास तीन तरीके दिखते थे, कुछ हर्ब्स थे, कुछ श्रब्स थे, और कुछ ट्री थे। कुछ के मेडिसिनल यूज थे जैसे हर्ब्स के, श्रब, झाड़ियां का कोई यूज नहीं था, और ट्रीज, ट्रीज के तो पता ही नहीं। फिर इसी तरह एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया। फिर से फर्दर एनिमल भी तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई हो चुके थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। हैबिटेट के बेसिस पे जब इन्होंने क्लासिफाई किया तो इन्होंने ये कहा कि एनिमल को तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, जो लैंड में रहते हैं, जो वाटर में रहते हैं, या जो एयर में रहते हैं। और इनके एनिमल को क्लासिफाई करने का जो क्राइटेरिया था वो था आरबीसी के प्रजनन, कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास आरबीसी है या जिनके पास आरबीसी नहीं है। तो जिनके पास आरबीसी थी रेड ब्लड सेल में उसे नाम दिया गया था एनीमिया, ई नीमिया, और जिनके पास नहीं था उसका नाम लिखा गया था एनीमिया। ये थे विदाउट आरबीसी वाले। इनके पास आरबीसी नहीं था, ये थे विद आरबीसी। ये थी इनकी क्राइटेरिया एनिमल को क्लासिफाई करने की और प्लांट को क्लासिफाई करने की। ये तो ये सिंपल उस समय का ओपन वाला आरबीसी, हाँ, उनके ब्लड में आरबीसी था और इनके ब्लड में आरबीसी नहीं था। ऑक्टोपस के ब्लड में आरबीसी नहीं होता, साइनो कंपाउंड होता है, ब्लू दिखता है, ब्लू ब्लड होता है ना ऑक्टोपस का, साइनो कंपाउंड होता है, कॉपर कंटेनिंग हीमोलिम्फ होता है। जितने भी इंसेक्ट्स देखोगे उनके पास ब्लड नहीं होता है। हीमोलिम्फ्स के भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, ब्लू, ग्रीन, आयरन कंटेनिंग ये रेड होता है, बाकी कॉपर कंटेनिंग ब्लू आता है हीमोलिम्फ, साइनोलिम्फ, सबके अलग अलग नाम है। आगे जब एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताएंगे अलग अलग टाइप ऑफ ब्लड, कैसे अलग अलग टाइप्स के ब्लड होते हैं। तो इस बेसिस पे एरिस्टोटल ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को उस समय में क्लासिफाई किया था जब बहुत ज्यादा कोई सोर्स नहीं थे हमारे पास, बहुत ज्यादा टेक्निक्स नहीं थी, बहुत पहले की बात है, 17th सेंचुरी की बात है जब एरिस्टोटल ने इसे क्लासिफाई किया। इसी के बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था 1758,
इसके बाद ही एरिस्टोटल का बहुत सिंपल सा प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन था। अब हम बात करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल था जिसमें माइक्रोबायोलॉजी के लिए कोई जगह नहीं थी, जितने भी माइक्रोब थे उनके लिए कोई जगह हमारे पास थी नहीं। उस समय उतना टेलीस्कोपिक व्यू भी नहीं था, माइक्रोस्कोपिक व्यू भी नहीं था, तो हम ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते भी नहीं। अब स्टार्ट करते हैं बेसिकली इतना काम शुरू करना टू किंगडम क्लासिफिकेशन। जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन का सिस्टम आया वो यही था, वो तो एरिस्टोटल का बेसिक क्लासिफिकेशन का। अब हम जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो थे टू सिस्टम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था, क्लासिफिकेशन दिया था। इसमें लीनियस ने फिर से ऑर्गेनिजम्स को एरिस्टोटल के बेसिस पे ही क्लासिफाई किया था। बस दो ही कैटेगरी थी उस समय के बारे में, एक प्लांट की और एक एनिमल की। जब ये ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे थे तो इन्होंने कुछ बातें कही थी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने से पहले, जैसे अब देखो इनमें क्या था। जब ये प्लांट को क्लासिफाई कर रहे थे तो इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या किया था, इन्होंने इंक्लूड किया था सारे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये नोट डाउन कर लो। इन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को प्लांट में डाला था, बैक्टीरिया को, इवन साइनोबैक्टीरिया को, फंगस को, मॉसेस और एनिमल्स को इन्होंने क्लासिफाई किया था प्रोटोजोआ को, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट को, क्लासिफिकेशन का सिस्टम आया था। तो देखो इसमें कुछ कमियां थी, पहले देखा जाए कि इनके बेसिस क्या थे, किस बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या, इनके रेफरेंस पॉइंट थे जिनके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन रखा। तो प्लांट की क्लासिफिकेशन करते समय इन्होंने सबसे पहला क्राइटेरिया रखा था सेल वॉल का, वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल वॉल है उसको प्लांट में डाल देंगे। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है, साइनोबैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है, फंगस के पास सेल वॉल होता है, मॉसेस के पास, सबके पास सेल वॉल होते हैं। इधर इन सबके पास सेल वॉल नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल इन्होंने क्लासिफाई किया। दूसरी इन्होंने क्राइटेरिया थी कि वो लोको मोशन नहीं करेंगे, इनमें से कोई भी मूव नहीं कर सकता, मॉसेस, फंगस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जितने भी प्लांट मूव नहीं करते, तो नो मूवमेंट, नो लोकोमोशन और मूवमेंट, लोकोमोशन नहीं करता, ठीक है। इन सब के बेसिस पे इन्होंने इन सारे चीजों को प्लांट के ऊपर क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। एनिमल्स की बात करें तो सेम, लैक ऑफ सेल वॉल,
ये प्लांट का क्लासिफिकेशन था, जैसे किसी प्लांट को उन्होंने क्लासिफाई किया था। एनिमल के लिए फिर यही नो सेल वॉल, लेकिन लोकोमोशन होना चाहिए। तो इन्होंने एनिमल्स को इस तरह से क्लासिफाई किया। लेकिन ध्यान से देखो, यहां पे हमारे पास कोई सेपरेट ग्रुप नहीं है। प्लांट को अगर देखा जाए, ये देखो, फंगस ऑटोट्रॉफ नहीं होता है। फंगस अपना खाना डेड डिकिंग मटेरियल से लेता है, हेटरोट्रॉफिक होता है, जिसमें हेटरोट्रॉफिक का पार्ट है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में कोई अंतर नहीं है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है, फंगस यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सबको एक ही में डाल दिया गया। कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे एल्गी, उस समय क्लेमाइडियम मोनाज जो एक एल्गी है, इसका माउस की तरह स्ट्रक्चर होता है, एल्गी का कंप्यूटर के माउस की तरह, उसके पास फ्लैजिला होता है, वो तो मूव करता है। बैक्टीरिया है उसके फ्लैजिला, तो वो मूव तो करते हैं, लेकिन तो भी इन्हें प्लांट के रखा गया। तो इसके ड्रॉबैक है ये सब। फंगस जो कि खुद खाना नहीं बनाता है, तो भी उसे प्लांट किंगडम में रखा गया। बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया ये आर्की बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, इनके पास टू न्यूक्लियस होता है, इनके पास टू न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कोई डिफरेंस नहीं था, सबको एक ही ग्रुप में डाला गया था। ये ड्रॉबैक था। एनिमल्स में देखो तो प्रोटोजोआ आते हैं, ठीक है, इनके पास सेल वॉल नहीं थी, लेकिन कुछ प्रोटोजोअन के इसमें इन्होंने जब क्लासिफिकेशन किया था, तो कुछ प्रोटोजोअन ऐसे थे जैसे युग्लिना, युग्लिना भी प्रोटोजोआ, ये जो अमीबा है, पैरामीशियम है, ट्राइकोडोमास है, स्लाइमोर्ड को इन्होंने इसी में डाल दिया था। बल्कि स्लाइमोर्ड जो है वो एक तरह का फंगस होता है। स्लाइमोर्ड उस समय बताया गया था इस एक तरह का फंगस है। बाकी जो एनिमल किंगडम है, जो इनवर्टिब्रेटा हम पढ़ते हैं, जब हम इनवर्टिब्रेटा की बात करते हैं, तो इसमें हम स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ते हैं। स्पॉन्जेस के लिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसकी बॉडी इरेगुलर शेप की होती है। दूसरा, इरेगुलर बॉडी होने के साथ स्पॉन्जेस सेसाइल होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं। तो जो लोग मूव नहीं कर रहे हैं, फिर वो एनिमल किंगडम में कर क्या रहा है? बात आती है ना कि अगर स्पॉन्जेस जो इनवर्टिब्रेटा का क्लास है, जिसे हम पोलिफेरा बोलते हैं, स्पॉन्जेस पोलिफेरा को बोलते हैं, पोलिफेरा जो ग्रुप है हमारे पास, पोलिफेरा तो मूव नहीं करते हैं, फिर ये एनिमल किंगडम में कर क्या रहे हैं, है ना? तो ये इनके ड्रॉबैक्स। यहां से बात आती है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के क्या ड्रॉबैक्स, ये हो गए इनके क्लासिफिकेशन का जरिया, जिनके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया था। अब बात करते हैं इनके ड्रॉबैक्स। आता है एग्जाम में टू किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या है। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सब एक ही ग्रुप में है। देखो ये यूनिसेलुलर होते हैं, सारे मल्टीसेलुलर है, फिर भी एक ही ग्रुप में डाला गया है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट के लिए कोई सेपरेट जगह नहीं दी गई है। स्पॉन्जेस भरोसे से सारे तो भी एनिमल किंगडम में डाल दिया गया है। फंगस के पास कोई प्लांट का कैरेक्टर नहीं है, बस वो मूव नहीं करता। बाकी फंगस के पास सेप्रोफिटिक मोड ऑफ तो भी डाला गया है। बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया कोई डिफरेंस नहीं है। ये सारे इसके ड्रॉबैक है। तो सारे इसके ड्रॉबैक्स को हम लोग एक साथ लिखेंगे। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के जितने भी ड्रॉबैक्स है, अब उसे एक साथ लिखेंगे। तो
प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों को एक साथ रखे गए थे। फंगस के लिए कोई सेपरेट ग्रुप नहीं था, बल्कि फंगस के पास फंगस आर क्लासिफाइड इन प्लांट ऑल्दो दे आर सेप्रोफिटिक, दे आर हेटरोट्रॉफिक। ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते थे, उसके बाद भी यहां रखा गया था प्लांट, ठीक है। अब एनिमल्स में देखो, प्रोटोजोआ की बात करते हैं। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर हो सकते हैं, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में कोई डिस्टिंग्विश नहीं था, देयर इज नो डिस्टिंक्शन। स्पॉन्जेस आर सेसाइल अंटिल दे आर ग्रुप इन एनिमल किंगडम, स्पॉन्जेस आर सेसाइल बट दे आर ग्रुप इन एनिमल किंगडम। साइड था लेकिन उसके बाद भी एनिमल किंगडम में डाला गया, इसे नोट करो। ये थे इसके सारे के सारे ड्रॉबैक्स जिसके बेसिस पे इन्होंने एनिमल और प्लांट को क्लासिफाई किया था, ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप्स, इन सबके बेसिस पे। यूग्लिना ऐसा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो कि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, प्लांट और एनिमल के, लेकिन इसकी भी फिक्स पोजीशन नहीं। यूग्लिना को अगर लाइट दोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर यहाँ लाइट हुई तो ये ऑटोट्रॉपिक बन जाता है, और इन अब्सेंस ऑफ लाइट डार्क में ये हेटरोट्रॉपिक बन जाता है। हेटरोट्रॉपिक एनिमल का कैरेक्टर है और ऑटोट्रॉपिक प्लांट का कैरेक्टर है। यूग्लिना को करेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल भी कहते हैं, लेकिन उनके बीच का कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। जितने भी प्रोटिस्टा थे, ये प्रोटोजोअन थे, उनके बाद दो किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा का टर्म नहीं आया। प्रोटिस्टा का टर्म दिया था हैकल, हैकल के क्लासिफिकेशन में आया था। हैकल का क्लासिफिकेशन था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें प्रोटिस्टा का जिक्र किया गया था। ये उसके ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स नोट डाउन कर लो। कैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, और क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स, ये पॉइंट नोट डाउन करके चलूंगा। कि बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया को इसमें इसीलिए पुट किया गया था क्योंकि साइनो बैक्टीरिया जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, बीजीए,
ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये गुड बैक्टीरिया है, ये आपकी बैक्टीरिया है। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था। फंगस बहुत डिफरेंस प्रॉपर्टी शो होती है फंगस की, बहुत सारी प्लांट्स है, लेकिन फिर भी ये प्लांट किंगडम में रखा गया था, बल्कि ये हेटरोट्रॉप होते हैं। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ग्रुप में कोई डिस्टिंक्शन नहीं। स्पॉन्जेस चाहे सेसाई होते हैं उसके बाद के एनिमल किंगडम में रखे गए, और यूग्लिना की कोई पोजीशन फिक्स नहीं है। यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल रखता है, लेकिन इसके बीच में कोई डिस्टिंक्शन हमारे पास अभी नहीं है। इस तरह से हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं और इसके डिफरेंसेस, इसके ड्रॉबैक्स को भी समझ सकते हैं। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, अभी मॉडर्न में सिक्स और एट किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा है, जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो भी हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे के नेक्स्ट क्लास।